रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। माता विंध्यवासिनी के जन्मोत्सव पर संस्कार भारती एवं लायंस क्लब ने कजली महोत्सव का आयोजन किया। मिर्जापुर के लाल डिगिल मोहल्ला स्थित बिड़ला सभागार में सांसद राम शकल ने कजली सुनाकर अपनी संस्कृति और माटी से जुड़े होने का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रख्यात कजली गायिका उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता, रंजना रॉय, अनीता एवं शिवलाल गुप्ता आदि कलाकारों ने कजली गीतों की मनोहारी प्रस्तुति कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। सांसद राम शकल, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एवं संस्कार भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी, लायंस क्लब के अध्यक्ष शशांक शेखर चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि कजली मिर्जापुर की माटी से उत्पन्न और संस्कृति से जुड़ा है, जो उन्हें गांव-गांव में भ्रमण के दौरान दिखाई पड़ा। कजली विद्या अपने आप में काफी मनोहारी है, इसे सुनकर मन विभोर हो जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ वेद मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वेद मंत्रों का वाचन वेद पाठशाला के वटुकों ने किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न संगति से आए कलाकारों ने अपनी संस्कृति और माटी से जुड़े गीतों की शानदार प्रस्तुति कर वाहवाही लुटी। वादकों ने कुशल संगति कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये आज संस्कार भारती द्वारा और लायंस क्लब के साथ मिलकर यहाँ पे कजरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और बहुत प्रसन्नता की बात है क्योंकि कजरी की जो उत्पत्ति की भूमि है वो मिर्जापुर ही है। तो यहाँ पे अलग अलग ये जो महोत्सव आयोजन हो रहे हैं इसे हम लोग सब कजरी को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों को साधुवाद। स्ट्रीट बस के लिए मिर्जापुर से संतोष देवगिरी की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।